दोस्तों, भारत का रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। भारत में कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, जिनकी खूबसूरती के आगे टूरिस्ट प्लेस भी फीके नजर आते हैं। कुछ रेलवे स्टेशन इतने हरे भरे और खूबसूरत हैं कि खूबसूरती में किसी हिल स्टेशन को भी मात देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही बेहद खूबसूरत स्टेशन के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर एक पे है दूधसागर रेलवे स्टेशन, गोवा। प्राकृतिक सुंदरता के लिए अगर भारत का कोई रेलवे स्टेशन जाना जाता है तो वो है दूधसागर स्टेशन। दूधसागर रेलवे स्टेशन दक्षिण गोवा का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन से दूधसागर वाटरफॉल का शानदार नजारा दिखता है। ये रेलवे स्टेशन धुंध भरे पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ है। ब्लॉकबस्टर फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में भी इस स्टेशन का नजारा दिखाया गया है। कोंकण का रेलवे रूट वैसे ही अपनी सुंदरता के लिए पूरे देश में मशहूर है। दूधसागर स्टेशन पर केवल एक ही प्लेटफॉर्म है। दूधसागर वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए इसी स्टेशन से होकर जाना पड़ता है। यहां के आसपास का खूबसूरत नजारा देखते ही बनता है। ये स्टेशन हैदराबाद और कोलवा के बीच में पड़ता है। इस विशाल झरने के बीच से गुजरती हुई ट्रेनें इस जगह का नजारा ही बदल देती है। नंबर दो पे है घूम रेलवे स्टेशन, दार्जिलिंग। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में स्थित है। घूम रेलवे स्टेशन अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता, चाय के बागानों और अपने मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है। घूम स्टेशन दार्जिलिंग रेलवे का एक प्रमुख स्टेशन है, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। घूम स्टेशन को अंग्रेजों ने 1881 में बनाया था। यह स्टेशन 7407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का 14वां सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। यहां पर्यटकों के लिए दार्जिलिंग से हर रोज एक टॉय ट्रेन चलती है। दार्जिलिंग अपने चाय बागानों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जैसे ही आप स्टेशन के पास पहुंचेंगे, आपको दूर दूर तक केवल हरे भरे सीढ़ीदार चाय के बागान ही दिखाई देंगे। साफ मौसम में आप दूर से ही कंचनजंगा पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियां चमकती हुई देख सकते हैं, जो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। टॉय ट्रेन की धीमी और सुंदर यात्रा आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है, और जब यह ट्रेन चाय के बागानों और जंगलों से होकर गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। नंबर तीन पे है बड़ोग रेलवे स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित बड़ोग रेलवे स्टेशन कालका शिमला रेलवे लाइन पर पड़ता है। कालका शिमला रेलवे अपने मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, जो यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। इस ट्रेन की यात्रा आपको कई सुरंगों, पुलों और मोड़ों से होकर ले जाती है, जो आसपास के पहाड़ों और गहरी घाटियों के मनोरम दृश्य प्रदान करती है। बड़ोग रेलवे स्टेशन और इसके आसपास का क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और शांति का एक सुखद मिश्रण पेश करता है। यह स्टेशन हिमालय पर्वतमाला से घिरा हुआ है, जो एक शांत वातावरण में स्थित है। बड़ोग से होकर गुजरने वाला रेलवे ट्रैक क्रिस्टल क्लियर पानी के झरनों से गुजरता है, जो इस क्षेत्र के प्राकृतिक आकर्षण को बढ़ा देता है। 5022 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्टेशन अपनी भूतिया कहानियों के लिए भी मशहूर है। इस स्टेशन के पास एक सुरंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। यह सुरंग 1903 में बनाई गई थी। नंबर चार पे है चेरुकारा रेलवे स्टेशन, केरला। केरल के मलप्पुरम जिले का चेरुकारा स्टेशन भी हरी भरी वादियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ स्टेशन है। यह स्टेशन नीलांबरशोलुर के बीच की ऐतिहासिक रेलवे लाइन पर स्थित है। यहाँ तो प्लेटफॉर्म के ऊपर भी घने पेड़ लगे हैं। केरल अपने आश्चर्यजनक तटीय परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, और चेरुकारा भी इसका ही एक हिस्सा है। यह स्टेशन अरब सागर से ज्यादा दूर नहीं है, और यहाँ आप अक्सर समुद्र और इसकी खूबसूरत तटरेखा की झलक देख सकते हैं। केरल अपनी चाय और मसाला बागानों के लिए भी जाना जाता है। चेरुकारा रेलवे स्टेशन और उसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता केरल के आकर्षण और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। चाहे आप इस क्षेत्र में ट्रेन से यात्रा कर रहे हों या पैदल इसकी खोज कर रहे हों, आप निश्चित रूप से केरल की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो ही जाएंगे। नंबर पाँच पे है अम्बासा रेलवे स्टेशन, त्रिपुरा।
पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य के धलाई जिले का एक छोटा सा स्टेशन है अम्बासा। सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म वाले इस स्टेशन की खूबसूरती बेमिसाल है। घने जंगलों से भरी पहाड़ियों के बीच स्थित यह स्टेशन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में आता है, जो असम के लुमडिंग को त्रिपुरा से जोड़ता है। अम्बासा रेलवे स्टेशन प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है, जो स्टेशन और इसके आसपास के आकर्षण को बढ़ाता है। अम्बासा भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित एक नगर है, जो धलाई नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पहले मीटर गेज ट्रैक था, जो बाद में ब्रॉड गेज में बदल दिया गया। यह रेलवे लाइन त्रिपुरा राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण लिंक है। जैसे ही आप स्टेशन के पास पहुँचेंगे, आपका स्वागत घने जंगलों, खेतों और हरियाली से ढकी पहाड़ियों से होगा। अम्बासा के आसपास के जंगल विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है, जिनमें कई पक्षियों की प्रजातियां और छोटे स्तनधारी शामिल हैं। त्रिपुरा राज्य नदियों और झरनों से घिरा हुआ है। ट्रेन में यात्रा करते समय आप इन झरनों की झलक देख सकते हैं। नंबर 6 पे है शिमला रेलवे स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित यह रेलवे स्टेशन खूबसूरत स्टेशनों की लिस्ट में शामिल है। शिमला के आकर्षक हिल स्टेशन में स्थित यह रेलवे स्टेशन अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। बर्फबारी में जब इस स्टेशन से ट्रेन गुजरती है, तो वह नज़ारा बहुत दिलकश होता है। साफ मौसम में आप दूर से ही बर्फ से ढकी चोटियों की झलक देख सकते हैं। शिमला कालका शिमला रेलवे द्वारा कालका से जुड़ा है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इस ट्रेन की यात्रा हरी भरी पहाड़ियों, गहरी घाटियों और देवदार से ढकी पहाड़ियों के मनमोहक दृश्य प्रदान करती है। स्टेशन के ठीक नीचे स्थित मॉल रोड अपनी खूबसूरत पुरानी इमारतों, दुकानों और रेस्टोरेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। आसपास की पहाड़ियां देवदार, ओक और रोडोडेंड्रोन पेड़ों के घने जंगलों से सजी हैं। स्टेशन से थोड़ी पैदल दूरी पर ही आप दर्रज जा सकते हैं, जो शिमला का एक प्रसिद्ध खुला स्थान है। यह सूर्यास्त का आनंद लेने और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। आप आसपास के दृश्यों का आनंद लेते हुए दुकानों और कैफे से सजी इस पैदल सड़क पर टहल सकते हैं। शिमला रेलवे स्टेशन न केवल एक परिवहन केंद्र है, बल्कि हिमाचल प्रदेश की मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता का प्रवेश बिंदु भी है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 6 सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन। आपको इनमें से कौन सा स्टेशन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए।